So, मेरा नाम है किसका बंदा एंड आई हैड दिस क्रेजी आइडिया ऑफ थ्रोइंग कानपुर फर्स्ट इंडी म्यूजिक हाउस पार्टी जो कि कुछ ऐसी गई। अब ये पूरा प्लान एक दिन में एग्जीक्यूट होना था तो स्ट्रगल तो था। ऐसा कुछ हाल था अपनी वेन्यू का, तो हम सुबह उठते ही सफाई में लग गए, मगर थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि ये बहुत भारी है। बहुत दिन हो गए थे जम गए हुए, तो वर्कआउट बनता है। लोगों को ये सीख मिलनी चाहिए कि आपको बॉडी बनाने के लिए जम जाने की जरूरत नहीं है। अबे एनीवेज, डेढ़ घंटे की मशक्कत करके काम आधा छोड़ने के बाद हमको याद आया कि अभी गेस्ट और आर्टिस्ट को तो बुलाया ही नहीं, तो एक्सेल शीट्स पकड़कर अमिताभ बच्चन बनके कॉल मिलाना चालू कर दिया और हमको लगा था कि गेस्ट काफी एक्साइटेड। लॉल, दो बार ब्लॉक होने और चार बार मुंह पे फोन कटवाने के बाद हमारी गेस्ट लिस्ट तो तैयार हो गई थी, मगर अभी भी सफाई और वाइब सेट करना बाकी था। और करना सब कुछ लास्ट मोमेंट ही होता है क्योंकि इंजीनियर क्या करे, वो भी नकली वाले बायोटेक। तो डिवाइड एंड रूल करते हुए एक बंदे को लगाया धुलाई पे और हम खुद चले गए डेकोरेशन और खाने पीने का इंतजाम करने। ये लाइट्स का सीन हो गया है, ये अपने कप हो गए, प्लेट हो गया है, हुआ कुछ नहीं है, अब इनको लगाना है, बहुत सारा काम है, तो आ जाओ बैठो, चलते हैं वापस। कसम से शादी में फुप्पा का रोल प्ले करने वाली फीलिंग आ रही थी। फिलहाल गेस्ट भी आने लगे थे और अभी तक सीन सेट नहीं हुआ था। लाइट्स लगाते हुए रियलाइज हुआ कि हमें तो ये आता ही नहीं है। चार लाइटें जल रही हैं, कनेक्शन पांच है, तो अभी फिगर आउट ये कर रहे हैं कौन सी नहीं जल रही। बट फाइनली वाइब पूरी सेट हो गई एंड बॉनफायर के साथ वी वर रेडी टू हैव अ बैंगर पार्टी। साउंड चेक और ऑडियंस के आने के बाद दिस इज हाउ द पार्टी स्टार्टेड। बस यूं ही जिंदगी जा रही थी मेरी तेरे बिन हम कहीं। हर गाने के पीछे एक कहानी होती है और उससे भी ज्यादा गानों के पीछे एक लड़की। और स्टोरी कुछ इस तरह है कि मुझे पता नहीं था कि प्यार क्या होता है। ये सॉन्ग मैंने अपनी बंदी के लिए लिखा था, मतलब माय एक्स गर्लफ्रेंड, दिल बहुत टूटा हुआ था। घर से पैसे लेते थे कुछ खाने के लिए या समथिंग और जाकर उससे उसके लिए चॉकलेट लेके जाते थे, मगर कुछ समझदार लोगों को खैर पता रहता है कि प्यार व्यार नहीं था, ओछापन था। और कुछ लोगों का तो कोई मिला नहीं उस पे एक सॉन्ग है। बट जो भी बोले, दिल टूटने पे संगीत तो अच्छा निकलता है। जिंदगी की पहली हाउस पार्टी थी ये मेरी और इससे प्यारी वाइब मैं नहीं इमेजिन कर सकता था। म्यूजिक तो पूरी सेट हो गई थी बट एक चीज अभी भी मिसिंग थी। पता है मेरा एक फेवरेट कोट है फ्रॉम द मूवी इनटू द वाइल्ड कि हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन इट्स शेयर्ड, और अपने शहर की इतनी टैलेंटेड कम्युनिटी के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना रियली प्रूव्ड इट। तो ये एडवेंचर तो हो गया, अब बताइए कमेंट्स में कि हमें कानपुर में नेक्स्ट क्या एडवेंचर करना चाहिए।